अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, जफ़ा की न्यू एपिसोड आ चुकी है। और जिस जिस तरह से स्टोरी, जैसे मैं प्रोमो या रिव्यूज़ वगैरह के लिए माइक ऑन करूँ, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दूँ, हर मोटर बाइक वाले को, रिक्शे वाले अंकल को, हम सबको याद आ जाता है कि हम लोगों ने जो है ना कहीं जाना था और अपनी मोटर बाइक स्टार्ट कर देते ताकि मेरी वॉइस ओवर ख़त्म हो जाए या ख़राब हो जाए। खैर, जो भी है, हम लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे जफ़ार ड्रामे के बारे में। बेसिकली आप लोगों को पता है कि जफ़ार ड्रामे की स्टोरी जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होती जा रही है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि जो डॉक्टर ज़ारा हैं, मावरा हुसैन, मतलब जिन्होंने डॉक्टर ज़ारा का कैरेक्टर प्ले किया है, वो जो हैं घर आ चुकी हैं। पहले जो थी वो बेचारी हॉस्पिटल में थी और उनके इतने ज़्यादा ज़ख़म आए हुए थे, स्टिचेस थे अपने उनके फेस पे, उनकी बॉडी पे जो है इतने ज़्यादा ज़ख़म थे और बहुत ही ज़्यादा जो है उनकी हालत ख़राब थी और ऑपरेशन हुआ, स्टिचेस लगे हुए थे। और इतनी ज़्यादा एक सेल्फ इंडिपेंडेंट, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक डॉक्टर हो के भी जो है बेचारी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी और उनके हस्बैंड ने उनका क्या हाल कर दिया। बट स्टिल डॉक्टर ज़ारा जो है ना वो इस मामले को कि तह तक पहुँच के रहेंगी और वो फिर भी जो है स्टिल अपना जो है हसन जो उनका हस्बैंड है उसके बारे में सोचती रहती हैं बार 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 बार। और उन्होंने क्या फ़ैसला किया कि अगर वो लास्ट चेकअप कराएगा मेरे कहने पे तो फिर मैं उसके पास चली जाऊंगी। मतलब अभी भी जो है वो हसन की जान नहीं छोड़ी और अभी भी जो है उसके पास जाने की बातें कर रही है। दूसरी तरफ जो है ना, जब डॉक्टर नुमैर को अंदलीप ने ये बताया कि इट्स अ गुड न्यूज़, आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम प्रेगनेंट, हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, ये सारी चीज़ें बातें बताएं, तो डॉक्टर नुमैर जो है बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे और उनको बिल्कुल भी ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी। और अंदलीप जो है ना वो भी बड़ी हैरान हो रही थी, बड़े परेशान हो रहे थे कि डॉक्टर ने मैर खुश क्यों नहीं है, आखिर वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली हुआ ये है कि डॉक्टर ने मैर का रिएक्शन जो है ना, जो उसके बाद जो है ना अंदलीप ज़ारा से बात करती है, डॉक्टर ज़ारा से कि ज़ारा आप ही मेरे नुमैर को जब बताया था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, आपको पता क्या रीज़न हो सकती हैं। तो रीज़न जो है ना, मतलब ज़ारा उसने बस ये कह दिया बेचारी अंदलीप को दिलासा या तसल्ली दिलाने के लिए कि जी मोस्ट ऑफ द मैन ना ऐसे रिएक्ट करते हैं, शुरू शुरू में ना वो प्रिपेयर नहीं होते बट आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो। तो अंदलीप जो है ना उनकी बातें सुन के जो खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ मुझे जो है ना अभी परेशान नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है ना डॉक्टर नुमैर का ये दिखाते हैं कि वो आखिर खुश क्यों नहीं है, आखिर रीज़न क्या है, क्योंकि डॉक्टर नुमैर जो है इतना अच्छा हस्बैंड, इतना अच्छा है, उसके बावजूद भी वो खुश क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी ना मतलब जो पास्ट जो है डॉक्टर नुमैर का वो दिखाया गया था और डॉक्टर नुमैर जो है डॉक्टर को विज़िट किया था उसने और उस डॉक्टर ने डॉक्टर नुमैर को बताया था दैट यू कैन नॉट बी अ फादर, आप जो हैं फादर नहीं बन सकते, इस तरह का जो है उनकी रिपोर्ट्स आई थी। और उसके बाद जो है डॉक्टर नुमैर बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे, हैरान हो गए थे। और ड्रामे के शुरू में भी ये दिखाया गया है कि डॉक्टर नुमैर जो हैं शादी के लिए नहीं मानते हैं, उसकी मामा जो है बार 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 रिश्ते ढूंढती हैं उसके लिए और वो जो है शादी के लिए नहीं मानता है और अपनी मामा को भी मना करता है कि आप रिश्ते ढूंढना बंद करें। और जब ये दिखाया था ना कि वो शादी के लिए नहीं मान रहा है तो तब मेरा भी ना थोड़ा सा गैस लगा था, तब मुझे भी थोड़ा थोड़ा सा ना शायद फील हुआ था कि शायद ये फादर नहीं बन सकता तो इसी ऐसा जो है ये शादी के लिए मना करता है। लेकिन अब जो है वो शक जो है यकीन में बदल गया क्योंकि जफ़ार ड्रामा वालों ने खुद ही से ही ये दिखा दिया है कि वो नुमैर जो है डॉक्टर नुमैर वो फादर नहीं बन सकता है। तो फिलहाल जो है ना स्टोरी यहाँ तक, और डॉक्टर नुमैर 99% चांसेस हैं डॉक्टर नुमैर के कि वो फादर नहीं बन सकता है और इसी वजह से जो है इसका ये रिएक्शन आया। स्टोरी क्या, जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी तो ये दिखाया जाएगा कि डॉक्टर नुमैर जो है ना वो दलीप से चिढ़ जाएगा और जो है शक करेगा कि ये जी बेबी जो है मोइस का है और मतलब उसके ऊपर ना शक करेगा बार बार। और इसी वजह से जो है प्रोमो में भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था जब अंदलीप जो है मोइस के बारे में बातें कर रही थी तो वन सिक्योर सा हो रहा था क्योंकि ना उसको लगा कि बेबी नुमैर का नहीं है मोइस का है और इसी वजह से जो है वो भी जो है शायद हसन जैसा हो जाए और अब्यूज़िव हो जाए एकदम से और अंदलीप को जो है डांटे और शायद मारे भी, ठीक है कुछ भी दिखा सकते हैं। और इसी वजह से जो है OST में भी दिखाया जाता है कि ना जाय नमाज के ऊपर दुआ पढ़ते हुए जो है रोज़ आ रहा होता है कि यार मैंने अंदलीप के साथ क्या कर दिया, अंदलीप जो है डॉक्टर नुमैर को छोड़ के तो चली जाएगी अपने घर, उसके बाद जो है शायद इन दोनों के बीच जो है मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हो जाए और उसके बाद जो है अंदलीप शायद वापस आ जाए, ठीक है।
फिलहाल जो है मुझे यही लग रहा है, लेकिन डॉक्टर नमेर को ये भी समझना चाहिए कि डॉक्टर्स ने जिसने भी इसको बताया था कि फादर नहीं बन सकते, उसके पास शायद दोबारा जाए और उसको रिपोर्ट्स दिखाएं दिलीप की, या किसी और डॉक्टर के पास चले जाए और उसको जो है रिपोर्ट दिखाएं दिलीप की, गायनेकोलॉजिस्ट जैसे जहरा है, और सब कुछ सच साबित हो जाएगा। फिलहाल जो है बस यही था, प्रोमो लाइक करना, बाय।